स्वागत है मेरे एक न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं कंपेयर करूंगा Vivo U10 को Redmi Note 8 के साथ। दोनों फोन आते हैं 10,000 के नीचे, तो देखते हैं बेटर फोन कौन है। हम सबसे पहले चालू करेंगे बॉडी के साथ। बॉडी में देखा जाए तो Vivo के आपको जो बॉडी मिलती है वो प्लास्टिक में मिलती है, पॉलीकार्बोनेट में मिलती है। लॉन्ग टाइम में इसमें आपको काफी स्क्रैचेस देखने मिलेंगे, जो उसका लुक होगा वो आपको लॉन्ग टाइम में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसी जगह अगर हम Redmi Note 8 में मिले तो आपको ग्लास डिजाइन मिलती है, फील बहुत प्रीमियम होगा हाथ में, दोनों साइड ग्लास है, दिखने में बहुत अच्छा लगेगा। और दोनों तरफ ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास 5, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग भी काफी मिलता है, तो आपको उसका ड्रॉप टेस्ट में भी काफी अच्छा रिजल्ट दिखने मिलेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम जाते हैं कैमराज में। कैमराज देखे तो Vivo U10 में आपको 3 मिलते हैं और Redmi Note 8 में 4 दिखने मिलते हैं। नंबर ऑफ कैमरास पहले ही Redmi जीत चुका है, लेकिन अगर हम देखें क्वालिटी में तो Vivo का जो मेन सेंसर आता है वो 30 मेगापिक्सल का आता है और Redmi Note 8 का मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का आता है। इसका मतलब जो फोटोज के अंदर ज्यादा डिटेल आएगी वो Redmi Note 8 के अंदर आएगी, तो कैमरा का भी पॉइंट जाता है अपने Redmi Note 8 को। बैटरी जाए तो बैटरी जाती है Vivo के अंदर आपको 5000 mAh की और Redmi में आपको मिलती है बैटरी 4000 mAh की। दोनों के अंदर आपको इन बॉक्स में आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है, तो दोनों के अंदर फास्ट चार्जिंग है, लेकिन Vivo की बैटरी बड़ी है तो बैटरी का पॉइंट जाएगा Vivo को। तो Redmi 2 पॉइंट, Vivo 1 पॉइंट। उससे आगे जाते हैं डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले की बात करो तो Vivo के अंदर आता है 720p प्लस डिस्प्ले और Redmi के अंदर आएगा 1080p प्लस डिस्प्ले। तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्ले का आपको जो पॉइंट होगा वो Redmi को जाएगा। डिस्प्ले के अंदर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, व्यूइंग एंगल्स बेटर हो जाएंगे, आपका जो सारा मीडिया का व्यूइंग होगा, गेम्स प्ले के लिए जो देखने का व्यू होगा सब कुछ बेटर आ जाएगा अपने Redmi में। तो 3 पॉइंट्स Redmi को, दो अभी तक 1 पॉइंट है सिर्फ Vivo को, तो Redmi आगे निकल चुका है। उसके आगे अगर हम बढ़े प्रोसेसर पे तो प्रोसेसर दोनों में एक जैसा ही आता है Snapdragon 665, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन अगर हम बेस वेरिएंट देखें तो Vivo का बेस वेरिएंट आता है 3GB RAM और 32GB स्टोरेज में, और Redmi का बेस वेरिएंट आता है 4GB RAM और 64GB स्टोरेज में। मेरे अकॉर्डिंग 2019 में आपको 4GB RAM बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2019 का एंड है, तो मैं कहूंगा अगर आप ये फोन लेंगे तो 2020 में भी वही चलाएंगे। तो 2020 के अकॉर्डिंग 4GB मिनिमम मैं कहूंगा रैम होनी चाहिए जो आपको Redmi में दिखने मिलती है। 1000 का डिफरेंस है कि ये आपको जो बेस वेरिएंट होता है Vivo U10 का आपको मिलता है 9000 में और Redmi का आपको बेस वेरिएंट मिलता है 10000 में। तो मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो 1000 ज्यादा देखिए आप Redmi की तरफ जाइए। आप 1000 ज्यादा देंगे तो आपको बेस स्टोरेज ज्यादा मिल जाएगी, उसके अलावा ट्रिपल स्लॉट दोनों के अंदर आप SD कार्ड दोनों के अंदर डाल सकते हैं। उसके अलावा कैमरा बेटर Redmi का है, डिस्प्ले बेटर Redmi का है, बिल्ड क्वालिटी बेटर Redmi की है। लेकिन बैटरी आपको सिर्फ चाहिए, आपको ज्यादा टाइम तक मोबाइल चलाना है, आप लॉन्ग टाइम तक मोबाइल तक को चार्ज नहीं करना चाहते तो Vivo बेटर है। डिस्प्ले भी 720p है, बैटरी भी 5000 mAh है, तो इसमें आपको आगे रहेगा Vivo। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे जरूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और फैमिली ग्रुप्स में शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।